का सपना था, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर दिखाने का सपना। मन सिर्फ था स्टडी में। तभी तो कॉलेज में सोनाली को स्कॉलरशिप भी मिला। माँ, बहन, भाई और पापा के साथ धीरे धीरे सोनाली अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी। सोनाली के मोहल्ले में 3 लफंगे थे जो कॉलेज ट्यूशन आने जाने के रास्ते में सोनाली को छेड़ते थे। पहले पहले तो सोनाली चुप रही, लेकिन बाद में फैमिली को उन तीनों के बारे में बताया। घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने लफंगे के घर में जाके उन तीनों को चेतावनी दी बेटी से दूर रहने को। बस यही गलती हो गई सोनाली की फैमिली से। गर्मी की दिन थी। गर्मी में सोनाली और उसकी फैमिली छत पर सोते थे। 22 अप्रैल 2003 की रात में भी सोनाली छत पर अपनी फैमिली के साथ थी। तभी वो 3 दरिंदे मिलके सोनाली के ऊपर एसिड फेंक दिया। एक हंसते खिलते लड़की बल्कि फैमिली की जीवन अंधेरा निकल गया। एक नया लड़ाई शुरू हो गई। हॉस्पिटल में सोनाली को देख के डॉक्टर भी चौंक गए। सोनाली की पूरी फेस खराब हो चुकी थी, आंखें गल चुकी थी। कुल मिला के 22 जख्म सोनाली की जिस्म पर थी। धीरे धीरे सोनाली की इलाज शुरू हुई। उधर उन तीनों खिलाफ भी मुकदमा शुरू हो गया। वो 3 गिरफ्तार हो गए। 25 सर्जरी किया गया सोनाली के ऊपर। और भी सर्जरीज बाकी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से तो हो न पाए। तब सोनाली ने राष्ट्रपति के पास स्वेच्छा मृत्यु की अपील किया 2012 साल में। तब सोनाली के ऊपर सबकी नजर पड़ी। इसके बाद सोनाली की मदद करने बहुत लोग आगे आए। केबीसी में बीबी के साथ खेलने का मौका मिला सोनाली को। बकेरो डीसीओ ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली सोनाली को। केबीसी के बाद चित्तरंजन तिवारी नाम के एक इंजीनियर था जिन्होंने 2015 में सोनाली से शादी किया। अब सोनाली बहुत खुश है। इन 12 सालों का दर्दनाक खौफनाक जीवन के बाद रोशनी की उजाला सोनाली की जिंदगी में आई। अब तो सोनाली एक क्यूट सी प्यारी सी परी की भी माँ बन चुकी है। हैट्स ऑफ टू सोनाली। इतना कुछ सहने के बाद भी जिसने हार नहीं मानी, अपनी लड़ाई लड़ी और हम सबको जीत के दिखाई, हमारे सबके लिए एक इंस्पिरेशन है सोनाली मुखर्जी। हैट्स ऑफ टू यू सोनाली। हैट्स ऑफ टू यू।